एक बार इस पिक्चर को देखो, अब इस पिक्चर को देखो, इसको, इसको और इस पिक्चर को भी देखो। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया एक नशा है? और अगर है तो इसका असर हमारे दिमाग पर किस तरह पड़ता है, ये जानने से पहले देखते हैं कि आखिर सोशल मीडिया की असली शुरुआत कैसे और कहां से हुई। पता है 1960s में जब इंटरनेट की शुरुआत हुई तो इसका सिर्फ एक ही पर्पस था कि गवर्नमेंट रिसर्चर्स एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएं। क्योंकि 60s के दौरान कंप्यूटर्स का साइज बहुत बड़ा होता था और किसी भी कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा था, तो ऐसे में किसी भी कंप्यूटर में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को यूज करने के लिए या तो रिसर्चर्स को उस साइट तक ट्रैवल करना पड़ता था जहां वो कंप्यूटर इंस्टॉल था, या फिर पोस्टल सिस्टम का यूज करके मैग्नेटिक कंप्यूटर टेप्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ता था। और रिसर्चर्स की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, खास करके US डिफेंस डिपार्टमेंट के रिसर्चर्स को हेल्प करने के लिए, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई जिसके जरिए इंफॉर्मेशन आसानी से ट्रांसफर की जा सके। एंड इसका नाम रखा गया ARPANET, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। फिर धीरे धीरे ये ARPANET इवॉल्व होते गया और इसका एक्सेस यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट बिजनेसेस को भी मिलने लगा। और लेट 1980s के दौरान लगभग 25 कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज को ARPANET यूज करने का एक्सेस मिल गया। और फाइनली अर्ली 1990s में कंज्यूमर इंटरनेट की शुरुआत हुई। इसे फाइनली तब इंटरनेट के नाम से जाना जाने लगा। एंड अब इस टाइम तक आम जनता को भी इंटरनेट यूज करने का मौका मिल चुका था। लेकिन चलो इंटरनेट तो ठीक है, पर ये सोशल नेटवर्क, ये सोशल मीडिया नाम की चीज कहां से आई? इसकी शुरुआत हुई 1997 में। एंड तब दुनिया की पहली सोशल नेटवर्किंग साइट का नाम था 6degrees। एंड उसके बाद धीरे धीरे सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी लोगों के लिए इंटरनेट यूज करने की एक वजह बनने लगी। एंड फिर एक ऐसा दौर, एक ऐसा साल आया जिसने सोशल नेटवर्किंग और सोशल मीडिया की दुनिया को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। 19 साल के मार्क ज़करबर्ग ने 2004 में फेसबुक लॉन्च करके सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग को एक नई पहचान दे दी। तब एक ऐसा दौर शुरू हो गया था जब लोग डायरेक्टली एक दूसरे का नंबर मांगने के बजाय एक दूसरे से पूछने लगे, आप फेसबुक पे हो क्या, मुझे ऐड कर लेना। अब ये वो टाइम था जब दुनिया तेजी से बदलने लगी। जहां लोग पहले सिर्फ मेल्स चेक करने के लिए इंटरनेट यूज करते थे, अब वहीं लोग अपनी लाइफ शेयर करने के लिए, दूसरों की लाइफ में झांकने के लिए इंटरनेट यूज करने लगे। जहां लोग कॉल्स पे बात करने के लिए फोन यूज करते थे, अब वहीं लोग अपना स्टेटस अपडेट करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया साइट्स यूज करने के लिए अपना फोन यूज करने लगे। जिन फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को पहले कॉल करके बर्थडे विश किया जाता था, अब लोग एक फोटो डालकर और एक स्टेटस अपडेट करके एक दूसरे को विश करने लगे। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है अभी आपके पेरेंट्स को कम और दुनिया के हर उस इंसान को ज्यादा पता होता था जो आपके सोशल मीडिया नेटवर्क पे आपके साथ कनेक्टेड था। एंड अब इस टाइम तक सोशल मीडिया सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बन चुका था। एंड जरा अब इन नंबर्स को देखो, 2010 तक इंडिया के सिर्फ 5% लोग ही इंटरनेट यूज करते थे, पर अब ये नंबर बढ़कर 50% तक पहुंच चुका है। और एक आम इंडियन ऑन एन एवरेज डेली लगभग 2.5 घंटे सोशल मीडिया पर स्पेंड करता है। मतलब आपको, मुझको और हम सबको सोशल मीडिया यूज करने की आदत तो लग गई है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ और हमारे ब्रेन पर किस तरह पड़ता है ये शायद हमें इतनी अच्छी तरह नहीं पता। और आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला इंपैक्ट, सोशल मीडिया एक्टिवेट्स योर ब्रेन्स रिवॉर्ड सेंटर। लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था जब आपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया और उसके बाद कभी चेक ही नहीं किया कि उस पोस्ट पर कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए और कितने लोगों ने उस पोस्ट को देखा? याद करो, शायद ऐसा कभी हुआ ही नहीं होगा। हम जैसे ही सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करते हैं तो उसके बाद हमारा माइंड हमें बार बार कहता है कि चेक कर, जिसे तू पसंद करता है उसने तेरा पोस्ट देखा या नहीं, और कितने लोगों ने तेरा पोस्ट चेक किया है, कितने लोगों ने तेरे पोस्ट को लाइक किया है, कितनों ने कमेंट किया है। आपका माइंड कुछ टाइम तक बस लगातार यही सोचते रहता है। एंड अब एक और सवाल, अगर कुछ पोस्ट करने के बाद ही आपसे आपका फोन या इंटरनेट एक्सेस छीन लिया जाए तो क्या आपको बेचैनी फील होगी? क्या आपको बार बार सोशल मीडिया चेक करने का मन नहीं करेगा? पता है, ऐसी ही सेम फीलिंग्स किसी ड्रग एडिक्ट के साथ भी होती है। बट आखिर इसका कोर रीजन है क्या? देखो, एक इंसान की दो सबसे बड़ी डिजायर्स होती हैं कि उसे लोग पसंद करें, उसे इम्पोर्टेंस दे, और दूसरा जिसे वो इम्पोर्टेंस देता है, जिसे वो पसंद करता है, उस इंसान के वो करीब रह सके। और ये दोनों ही डिजायर्स सोशल मीडिया पर पूरी हो जाती हैं। और जैसे ही ये डिजायर्स पूरी होती हैं, हमारे माइंड का एक हिस्सा जो डोपामिन प्रोड्यूस करता है वो एक्टिवेट हो जाता है। एंड डोपामिन एक फील गुड केमिकल होता है जो अक्सर किसी एडिक्टिव सब्सटेंस को कंज्यूम करने के बाद, कुछ अच्छा खाने के बाद, किसी अचीवमेंट के बाद, सेक्स के बाद या किसी और प्लेजर देने वाली एक्टिविटी के बाद प्रोड्यूस होता है। एंड क्योंकि सोशल मीडिया यूज करते ही आपके माइंड में सेम यही फील गुड केमिकल मतलब डोपामिन इतनी आसानी से प्रोड्यूस हो जाता है, तो इसलिए आपको बार बार सोशल मीडिया यूज करने का मन करते रहता है। हर बार सोशल मीडिया यूज करते ही आपके डोपामिन लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं
और आपके ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। सोशल मीडिया का दूसरा इंपैक्ट पड़ता है ऑन योर सेल्फ एस्टीम। हम सब की कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज होती हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कोई भी अपनी इनसिक्योरिटीज दुनिया के सामने खुल के जाहिर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, कोई कपल जितना मर्जी क्यों ना लड़ता हो, पर सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज को देखकर ऐसा लगेगा कि इनसे ज्यादा प्यार तो कोई और कपल कर ही नहीं सकता। लोग हमेशा अपनी लाइफ को डेकोरेट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। लोग लाखों का लोन लेकर चीजें खरीदते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, पर देखने वालों को वो लोन थोड़ी दिखेगा, उन्हें तो बस महंगी कार और महंगा घर ही दिखता है। और क्योंकि कंपैरिजन करना ऑलमोस्ट हर इंसान की फितरत होती है, तो इस वजह से हम अपनी लाइफ को लोगों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। एंड इस कंपैरिजन की वजह से हमारी सेल्फ एस्टीम पर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। लोग अपने आप पर सेल्फ डाउट करना शुरू कर देते हैं। तीसरा इंपैक्ट पड़ता है हमारे अटेंशन स्पैन पे। जब सोशल मीडिया नहीं था तो लोग बोर्डम दूर करने के लिए क्या करते थे, सोचो। लोग अक्सर कोई ना कोई गेम खेलते थे, कहीं घूमने चले जाते थे, किसी दोस्त के घर चले जाते थे, कोई बुक पढ़ लेते थे या फिर गाने सुन लिया करते थे। और इन सभी एक्टिविटीज में जो टाइम लगता था वो कुछ सेकंड्स या मिनट्स का नहीं बल्कि थोड़ा ज्यादा हुआ करता था। लोग एक काम को बिना बोर हुए लंबे समय तक कर पाते थे। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी गेम सिर्फ 30 सेकंड्स में खत्म नहीं हुआ करती थी, या किसी दोस्त के घर जाने का मतलब 5 मिनट बात करना नहीं हुआ करता था। तब बातें, काम और खेल, हर चीज लोग आराम से समय लेकर किया करते थे। पर आज बोर्डम दूर करने का मतलब है 30 सेकंड्स की शॉर्ट वीडियोस देखना, बैक टू बैक सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। और इन एक्टिविटीज की वजह से एक आम इंसान का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है। लोगों का पेशेंस खत्म होते जा रहा है, लोग इंतजार करना पसंद ही नहीं करते। एंड अब हमें सब कुछ जल्दी चाहिए होता है, और ये जल्दबाजी बहुत हद तक सोशल मीडिया की ही देन है। चौथा इंपैक्ट पड़ता है ऑन स्लीप। मुझे शायद ये बताने की जरूरत नहीं है कि नींद हमारी मेंटल हेल्थ के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर लोग अपनी नींद के दुश्मन खुद ही बने हुए हैं। जब सोने का वक्त होता है तो लोग बेड पर लेटते ही सोशल मीडिया चेक करने लगते हैं। जिस समय एक इंसान को शांत दिमाग से सोना चाहिए, तब लोग अपनी सोशल मीडिया फीड्स को चेक करके दूसरे लोगों की जिंदगी में झांकने में बिजी होते हैं। और क्योंकि ऐसा करने से हमारा ब्रेन एक हाई अलर्ट मोड में चला जाता है, तो इस वजह से नींद आना भी मुश्किल हो जाता है। प्लस फोन की लाइट से हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन का प्रोडक्शन सप्रेस हो जाता है, जिस वजह से हमें थकान महसूस होना भी कम हो जाता है। एंड दोस्तों, ये थी वो चार मेजर इंपैक्ट जो सोशल मीडिया यूज करने की वजह से हमारे दिमाग पर पड़ते हैं। और मेरे दोस्त, अगर आप भी सोशल मीडिया कुछ ज्यादा यूज करते हो तो प्लीज अपनी इस हैबिट पर थोड़ा कंट्रोल करो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।